अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम यासिर गफूर है और आज मैं मौजूद हूँ प्रिसेंट वन के अंदर। आपको एक 272 स्क्वायर यार्ड्स का घर दिखाएंगे जो कि पेरियड कराची का मैं कह सकता हूँ 272 स्क्वायर यार्ड्स में सबसे खूबसूरत घर है और आज हम इसका कंप्लीट इनसाइट टूर करेंगे। इस घर की लोकेशन के बारे में बात की जाए तो ये प्रिसेंट वन के अंदर लोकेटेड है। प्रिसेंट वन पेरियड हम कराची का पहला प्रिसेंट है, बिल्कुल मेन गेट के करीब इस घर की लोकेशन है और इसके अंदर प्रिसेंट वन में 272 स्क्वायर यार्ड्स की प्लॉट कटिंग है। प्योर सबसे पहले आप इसकी एलिवेशन डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत एलिवेशन है। इसके साथ आपको इसका फ्रंट लैंप लुक रहा हूँ तो क्या फ्रंट लैंप भी इसका देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। और व्यूअर्स इसी के साथ यहाँ पर इसका एक्सटीरियर गार्डन है, यहाँ पर भी प्लांटेशन वर्क करके दिया गया। आपको घर के अंदर एंटर होते हैं और सबसे पहले मैं आपको इसका गैरेज दिखाता हूँ। बस घर बहुत खूबसूरत है, आपने एंड तक लाजमी देखना है। टोटल 5 बेडरूम्स है इसके अंदर और अभी हम इसके गैरेज के अंदर आ चुके हैं। और गैरेज की साइज़ की बात की जाए तो आपको स्टैंडर्ड साइज़ गैरेज यहाँ पर मिलेगा जिसके अंदर एक SUV ईजिली यहाँ पर पार्क हो सकती है। आप देख सकते हैं गैरेज का ये साइज़ था और उसके साथ यहाँ पर आपको एक साइड पैसेज मिलेगा जो कि लीड कर रहा है वॉशिंग एरिया की तरफ। ऑलमोस्ट 5 फीट वाइड है ये भी इसका कॉरिडोर एरिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वॉल के ऊपर लाइटिंग की गई है और उसी के साथ इस कॉरिडोर के अंदर से आपको एक एंट्रेंस मिलेगी जो कि किचन की तरफ लीड करेगी और ये स्टेयर्स जो हैं जो आपको रूफ टॉप की तरफ लेकर जाएंगी। यहाँ से रूफ टॉप की एंट्रेंस है और आपको सर्वेंट क्वार्टर भी यहाँ से ही मिल जाएगा। ये आ गया है इसका वॉशिंग एरिया, बहुत वाइड स्पेस है यहाँ पर, आपकी वॉशिंग एरिया की अच्छी स्पेस डिज़ाइन हो सकती है। अब चलते हैं घर के अंदर और आपको तमाम चीज़ें डिटेल के साथ समझाते हैं। जी वर्स, गैरेज के अंदर हम वापस आ चुके हैं और अगर आप इस विला की डिटेल्स जानना चाहते हैं, डिमांड जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप व्यू कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके इस विला की डिटेल्स जान सकते हैं। तो व्यूवर्स ये भी आप देख सकते हैं, हम इसकी मेन एंट्रेंस में मौजूद हैं और इसकी बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स मिल रहे हैं जो कि आपको इसकी मेन एंट्रेंस डोर की तरफ लेकर जा रहे हैं। और सबसे पहले बहुत खूबसूरत सा ऊपर आपको एक लैम्प डिज़ाइन शैंडल यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर 4 बल्ब्स इंस्टॉल्ड हैं और उसके साथ यहाँ पर देखें वॉल वर्क कितना खूबसूरत यहाँ पर किया गया। ये इसकी एंट्रेंस है और इसके साथ आते ही आपको एक बहुत खूबसूरत सा जाइंट डोर मिल जाता है। तो उससे पहले मैं उसको डोर क्लोज करके दिखाता हूँ और ये बहुत भारी दरवाज़ा है, बहुत सॉलिड वुड है। ये बस इसकी एक लुक है जो कि आप इसको देख सकते हैं, सॉलिड वुड है मैं आपको बता सकता हूँ। उसके साथ ही हम अभी घर के अंदर एंटर होते हैं। जी वर्स, अब आ चुके हैं इसके हम घर के अंदर और आते साथ मैं आपको मैप प्लान एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले आपको मिल जाता है टीवी लाउंज, राइट साइड पे टीवी लाउंज मिल जाएगा और स्टेयर्स मिल जाएंगी जो कि बहुत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन की गई है। आते साथ लेफ्ट साइड पे ही आपको यहाँ पर इसका ड्राइंग स्पेस मिल जाएगा। सबसे पहले ड्राइंग स्पेस के बारे में बात की जाए व्यूअर्स, एक तो स्पेशियस और उसके साथ खूबसूरत, तो यहाँ पर आपको हर एलिमेंट के अंदर डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पर एक खूबसूरत सा शैंडेलियर भी इंस्टॉल्ड है और इस वॉल के ऊपर आप डिज़ाइन देख सकते हैं, क्या कलर थीम्स हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत कलर पैलेट्स यूज़ किए गए। और इसके साथ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मिरर का यूज़ किया गया जिसके ऊपर एक वॉल के ऊपर लैंप इंस्टॉल किया गया। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत और स्पेशियस यहाँ पर ड्राइंग स्पेस मिल जाएगी आपके गेस्ट के लिए। एक विंडो पैनल भी होगा बाहर की तरफ व्यू करवाने का और टोटल सेपरेट आप इसको डिज़ाइन करके दिया गया। ये देखें सामने ग्लास डोर है जो कि बहुत हाइटेड है और बहुत वाइड भी है, बहुत हाइटेड है, ईजी टू ऑपरेट और स्मूथ यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्लास डोर बना कर दिया गया। तो आपको बताया था कि यहाँ पर टीवी लाउंज भी मौजूद है और टीवी लाउंज की बात करें तो व्यूअर्स एक यहाँ पर मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई, टोटल वॉल के ऊपर बहुत खूबसूरत वुड पैनलिंग है, साथ में हैंगिंग लाइट्स हैं। ये देखें व्यूअर्स, 3 लाइट्स हैं हैंगिंग, बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर भी मीडिया वॉल के अंदर टच दिया गया। नीचे टीवी कंसोल्स हैं और ये इसकी टोटल स्पेस है टीवी लाउंज के अंदर। उसी के साथ टीवी लाउंज के सामने आपको एक स्पेस और मिल रही है, यहाँ पर भी अपनी सीटिंग कर सकते हैं। वैसे तो इसको एज अ डाइनिंग रूम अरेंज किया गया, यहाँ पर भी आपकी सीटिंग हो सकती है और ऊपर इसके ऊपर बहुत खूबसूरत शैंडेलियर भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये व्यूअर्स आप इसका व्यू कर सकते हैं, बहुत लग्जरी लुक है, रॉयल लुक यहाँ पर आपको मिल रही है। और उसके साथ वॉल पर 3 पेंटिंग्स इंस्टॉल की गई हैं और इस वॉल पर भी सेम ड्राइंग रूम वाला आपको इफेक्ट दिया गया।
ड्राइंग डाइनिंग भी बहुत स्पेशियस और यहाँ से आपको स्टेयर्स मिल रही हैं, फर्स्ट फ्लोर की तरफ लीड करेंगी। दो बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं और उसके साथ यहाँ पर एक किचन है, उसकी मैं आपको लुक करवाता हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले आप किचन देखें, ओपन कॉन्सेप्ट बेस किचन है यहाँ पर। टोटल अप्लाइंसेज यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, सबसे पहले यहाँ पर बेकिंग ओवन और आप माइक्रोवेव ओवन इसका देख सकते हैं, एक्सपर्ट कंपनी का। काउंटर टॉप आप देखें, बहुत खूबसूरत कोरियन का काउंटर टॉप है और उसके ऊपर एक्सपर्ट का ही आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट मिल जाएगा और स्टोव भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। जब इस कैबिनेट स्पेस की बात की है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल लाइटिंग लाइटिंग है कैबिनेट्स के अंदर, और ऊपर से यहाँ से आपको ये हाइड्रोलिक ड्रॉर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काउंटर टॉप के ऊपर भी यहाँ पर लाइटिंग आपको मिल रही है, एक्सपर्ट कंपनी का ही आपको यहाँ पर डिश वॉशिंग एरिया भी मिल रहा है। बहुत खूबसूरती के साथ किचन भी डिज़ाइन किया गया और यहाँ पर एक ग्लास प्लेस्ड है जहाँ से आप अपना टीवी लाउंज का व्यू ले सकते हैं, टीवी लाउंज और आपको यहाँ से एंट्रेंस की भी व्यू नज़र आएगा। जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि दो बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम का व्यू करते हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, का फर्स्ट बेडरूम आ गया और फर्स्ट बेडरूम के अंदर हम बात करें तो स्पेशियस बेडरूम के साथ साथ बहुत खूबसूरत प्रोफाइल वॉल यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। तीन कलर्स हैं, ब्राउन, ब्लैक और वाइट, और उसके साथ यहाँ पर लाइटिंग भी आपको प्रोफाइल वॉल के अंदर मिल रही है। यही चीज़ें हैं जो इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रही हैं। इसका साइज़ आप लहजा कर लें, सबसे पहले इसका साइज़ और ऊपर सीलिंग वर्क के ऊपर देखें, लाइटिंग वर्क क्लासी डिज़ाइंस हैं सीलिंग वर्क के अंदर, और इसकी वार्डरोब भी आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगी। और एक और प्लस पॉइंट कि वार्डरोब्स के अंदर भी आपको लाइट्स इंस्टॉल करके दी गई हैं। डिमांड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं इसके वॉशरूम के अंदर, ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बड़े साइज़ के अंदर यहाँ पर आपको वैनिटी सेटअप मिल जाएगा, यहाँ से आपको एक शॉवर कैबिन मिल जाएगा। और रोका का आपको यहाँ पर कमोड इंस्टॉल करके दिया गया। यहाँ पर देखा इसका फर्स्ट बेडरूम और इसी के साथ इसका सेकंड बेडरूम है। डोर क्वालिटी मैंने आपको बताई है, वुड क्वालिटी सॉलिड वुड है, और जो हैंडल यहाँ पर यूज़ किए गए वो भी आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर कंपनी के और सॉलिड अच्छी क्वालिटी है हर चीज़ की। यहाँ से आपको सेकंड बेडरूम मिल जाता है। अगर आप ये घर विजिट करना चाहते हैं तो अभी हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका सीलिंग वर्क भी देख सकते हैं। व्यूअर्स, हमने कर लिया ग्राउंड फ्लोर का टूर कंप्लीट और चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। और फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स मैंने आपको दिखाई थी, डायरेक्ट एंट्रेंस आपको मिलेगी यहाँ से टीवी लाउंज से, जिसके ऊपर वुड और ग्लास की मदद से इसकी स्टेयर्स डिज़ाइन की गई हैं, और स्टेयर्स के नीचे भी आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत यहाँ पर डेकोरेशन की गई है जिसके अंदर स्टोन प्लेस किए गए हैं। जी तो व्यूअर्स, अब आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर आते साथ ये तो एक वॉल आपको मिलेगी ही बहुत खूबसूरत जिसके अंदर ग्लास वर्क बहुत अच्छा किया गया। यहाँ से आपको एक बहुत सा बड़ा सा शैंडेलियर भी मिलने वाला है। अब इधर मैप प्लान में आपको समझाऊं तो यहाँ से ही आपको टीवी लाउंज मिल जाएगा, तीन बेडरूम्स हैं और एक वॉशिंग एरिया भी फर्स्ट फ्लोर पर डिज़ाइन किया गया। ये आप वॉल देख सकते हैं जिसके अंदर गोल्डन टच दिया गया वॉल के ऊपर, और लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं और मिरर यहाँ पर लगाया गया। इस साइड से एक पैसेज है जो कि आपको पीछे वॉक करके दो बेडरूम्स की तरफ लेके जाएगा। सबसे पहले ये स्पेस मैं आपको दिखा दूँ जिसके अंदर आपको वॉशिंग एरिया और कबर्ड्स इंस्टॉल करके दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए एक टैप इंस्टॉल्ड है और एक डॉलेंस की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल्ड है। ये बस बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको घर के अंदर ही वॉशिंग एरिया डिज़ाइन करके दिया गया। और इसकी बैक साइड पर दो बेडरूम्स हैं, यहाँ पर भी आप वॉल वर्क देख सकते हैं, कलर्ड पैलेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे यूज़ किए गए। इसका थर्ड बेडरूम आ गया, इसकी वॉल पर भी आप देख सकते हैं ब्राउन और वाइट के अंदर इसकी टोटल वॉल डिज़ाइन की गई है, जिसके पीछे वॉल के ऊपर आपको लाइटिंग भी नज़र आ रही होगी, और थोड़ा सा ग्लास भी यहाँ पर यूज़ किया गया।
और ये आपने देखा सर टोटल साइज, वार्डरोब्स इसके अंदर ही मौजूद हैं, वॉशरूम के अंदर नहीं है, बेडरूम के अंदर वार्डरोब्स मौजूद है। और यहाँ से इसका सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने आपको नीचे दिखाया था वही सेम साइज़ का वॉशरूम मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसके शॉवर के पीछे टाइल वर्क देख सकते हैं, ब्राउन टाइल यूज़ की गई है, NHK का शॉवर है। वैनिटी सेटअप आप देख सकते हैं, लार्ज साइज वैनिटी सेटअप, पीछे एक लार्ज साइज मिरर भी इंस्टॉल्ड है और एक हैंगिंग लाइट भी यहाँ पर लगाई गई है। रोका का आपको वॉल हंग कमोड भी यहाँ पर मिल जाता है। मास्टर बेडरूम इसका फ्रंट पर व्यू करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम आ चुके हैं इसके फोर्थ बेडरूम के अंदर, तो इसका साइज भी आप देख सकते हैं बाकी बेडरूम के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा है। सीलिंग वर्क हर बेडरूम के अंदर ऑलमोस्ट सेम है, लाइटिंग वर्क बहुत अच्छा है सीलिंग वर्क के ऊपर भी। और ये आ चुका है अटैच बाथ। सबसे पहले नीचे टाइल वर्क के ऊपर गौर करें, बहुत खूबसूरत और डिफरेंट टाइल वर्क यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। और इसका रोका का वॉल हंग कमोड भी यहाँ पर मौजूद है। ये वैनिटी सेटअप आप देख सकते हैं कॉर्नर के ऊपर प्लेस की गई है। शॉवर कैबिन का मैं आपको अंदर से व्यू करवाता हूँ, ये देखें व्यूज। इस वॉशरूम की जो कबर्ड थी वो वॉशरूम के अंदर प्लेस थी। अब हम आ चुके हैं वापस टीवी लाउंज एरिया के अंदर। टीवी लाउंज के अंदर कोई मीडिया वॉल वैसे डिज़ाइन नहीं की गई, आप इसको नॉर्मल सिटिंग एरिया बना सकते हैं। और इसके साथ टेरेस और एक मास्टर बेडरूम रह गया। मास्टर बेडरूम का व्यू करते हैं, उसके बाद टेरेस पे चलते हैं। ये आप इसका मास्टर बेडरूम देख सकते हैं, टोटल फिफ्थ बेडरूम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अंदर ये है कि आपको वॉल के ऊपर टोटल वाइट के अंदर मोल्डिंग वर्क के साथ साथ बहुत खूबसूरत ग्लास भी यहाँ पर इंस्टॉल करके दिया गया, जिसकी खूबसूरती में और इजाफा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इसका फिफ्थ बेडरूम। यहाँ से एक विंडो पैनल है और आपको फ्रंट का व्यू भी मिल जाएगा। ये इसका बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइंड वॉशरूम आ चुका है, जो कि इसका मास्टर साइज वॉशरूम है। सबसे पहले आप वॉल हंग कमोड का और पीछे इसकी टाइल लुक देखें, कितना खूबसूरत कंट्रास्ट है। रोका का वॉल हंग कमोड के साथ साथ यहाँ पर कॉर्नर पर आपको इसका शॉवर कैबिनेट मिल जाता है। देखिए कितने क्लासी डिज़ाइन हैं और कितनी खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ यहाँ पर काम किया गया। इसका वैनिटी सेटअप आपने देखा था, पीछे से सीट कवर्स भी आप देख सकते हैं। ए प्लस क्वालिटी व्यूअर्स, बहुत सॉलिड और अच्छी लोकेशन। आपको इस तरह घर बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर आप ये विला बाय करना चाहते हैं या आप ऐसी कंस्ट्रक्शन को बनाना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। लास्ट आपको मैं इसका टेरेस दिखाता हूँ। व्यूअर्स इसका टेरेस है, जनरल साइज टेरेस है। और आपको बैक साइड में व्यू भी दिखा दूँ तो ये आप इसको व्यू कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर आप इस घर की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सचेंज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यासिर गफूर, प्रॉपर्टी एक्सचेंज, पेरियडों कराची के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफिज़।